दोस्तों हमारे कबूतर बार बार कभी छतरी के अलावा छत के अलावा कभी दूसरी जगह रॉन्ग बैठ रहे हैं, यानी कभी टंकी पे, कभी ये बिल्डिंग पे, कभी ये सामने वाली बिल्डिंग पे, कभी वो सामने टंकी पे आके, यानी कभी रॉन्ग बैठ रहे बार बार कबूतर। तो क्या करना चाहिए ताकि हमारे वो कबूतर वापस सही हो जाए, या उन कबूतर साथ क्या करना चाहिए जो कबूतर हमारे बार बार रॉन्ग बैठ रहे, हम परेशान हो गए, हम बुला बुला के परेशान हो जाते हैं, बेचारे कबूतर आते ही नहीं, बेचारे कबूतर क्या अपन बेचारा हो जाते उस समय कि आ जा भैया आ जा, तो बंद करना है, आ जा दाना खाना है, बाकी वो कबूतर नहीं आता है, रॉन्ग बैठ जाता है कहीं ना कहीं जाके। या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके ऊपर में ही वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऐसे कबूतरों के साथ क्या करना चाहिए हमारे को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई। देखो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ कि आपके पास कभी ऐसी परेशानी हो रही है, कबूतर आपके बार बार रॉन्ग बैठ रहे, गलत बैठ रहे, आप थक गए, आप सोच रहे कि यार कबूतर हमारा वापस सही हो जाए, तो भाई उस कबूतर का एक ही इलाज है। एक इलाज मालूम है क्या है, यानी दो इलाज है। पहला इलाज ये है कि उस कबूतर का पर काट दो। पर काट के कभी आप छोड़ दोगे ना जाल में, तो जाल में घुमा करेगा। पहला इलाज तो मैंने आपको बता दिया। और कभी आप सोच रहे हो कि नियार वसी में हम पर कैसे काटें, कभी हमको तो उड़ाने का शौक है, तो भाई कभी आप जैसे आपने कबूतर पर काट दिए, 40 दिन बाद उसके पर आएंगे ना, तो कहाँ बैठेंगे जाके, वो दीवार पे, बिल्डिंग पे, यानी जहाँ भी रॉन्ग बैठता है वहाँ जाके वो कबूतर बैठेगा आपका। तो उसका दूसरा इलाज वाले में क्या है, दूसरा इलाज ये है कि उस कबूतर को आप सेल कर दो, बेच दो, आगे बढ़ा दो। बाकी छत पे कभी आप वो कबूतर को रखोगे ना, तो एक से दो कबूतर, दो से तीन कबूतर, तीन से चार कबूतर, यानी आपकी पूरी छत ख़राब हो जाएंगी। जैसे कि हमारे सानिज मियाँ, अभी क्या है हमारा भाई कबूतरों पर ध्यान नहीं है, हमारे सानिज कबूतर खोलता है और जबरन की उड़ाना, बस इधर उड़ाना उधर उड़ाना, तो हमारे सानिज ने भैया हमारे 4 से 5 कबूतर राउंड कर दिए। क्या करेंगे उड़ा के, अरे एक बार देखते नहीं किसी को। तो भाई हमारे सानिज ने क्या करा, 4 से 5 कबूतर को राउंड कर दिए। अब देखो अब उस बच्चा भाई वो 2 मिनट के लिए, अब इनको शौक है कबूतर उड़ाने का, बस हमको कबूतर उड़ाना है, बार बार कबूतर उड़ाना, बार बार कबूतर उड़ाना। तो मालूम ये हुआ क्या, 4 से 5 कबूतर, कबूतर बिल्डिंग पे और कुछ कबूतर इधर, ठीक है, आजू बाजू बैठ जाते। फिर हमारा सानिज परेशान होता है कि भैया आ जा, वो कबूतर नहीं आएंगे। तो कबूतर को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, कबूतर को बार बार कभी आप उड़ा रहे हो, भगा रहे हो, तो भाई वो कबूतर रॉन्ग हो जाता है। उसका फिर इलाज यही है, जैसे भैया हमने सानिज को वार्निंग दे दी है कि बेटा तो कभी बार बार कबूतर को उड़ाएगा, बार बार कबूतर को अभी तो उड़ाता है, भगाता है ना, तो भाई मैं कबूतर बेच दूंगा। मैंने खुला भैया मेरे सानिज को यही बोला मैंने, क्योंकि उसमें क्या हो रहा दोस्तों, कभी अभी तो मेरा ध्यान नहीं है कबूतरों पे, और जब मैं ध्यान दूंगा, जब ध्यान देने लग जाऊंगा ना अपने कबूतरों पे, चलो भैया मेरे को उड़ाने का शौक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें कबूतर छाँट दूँगा। जो कबूतर मेरे अच्छे उड़ते हैं और जगह पर जाकर बैठते हैं, मैं वही कबूतर अपने छत पर रखूँगा। तो जो कबूतर रॉन्ग बैठ रहा है भाई, वो कबूतर को मैं सेल कर दूंगा, सेल करूंगा, या फिर तो एक तरीका और है, वो कबूतर को मैं डाल दूंगा ब्रीडिंग पे, और उस उनके नीचे अच्छे नस्ल के अंडे बच्चे आगे पलवाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं तरीका करूंगा मैं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं बारीकी से वीडियो बनाऊँगा। जो अपने कबूतर ऐसे है जो परेशान कर रहे हैं, रॉन्ग बैठे हैं ना, उनका भी तीसरा तरीका ये है कि उनको ब्रीडिंग सेंटर डाल दो और अच्छे नस्ल के बच्चे उनके नीचे भाई पलवाओ, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए हमारा कबूतर फिर उड़ गया। तो सामने हमारे क्या है, ये जंगली कबूतर बैठे, तो जंगली कबूतर को देख के भी हमारे अच्छे कबूतर ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश यही करना है अपने को, ताकि अपने आजू बाजू बिल्डिंग पे कोई कबूतर बैठता है तो बिल्कुल उसको उड़ा दो। बाकी भाई मैं इतना परेशान हूँ कि जंगली कबूतर जो आप देख रहे हो ना, अभी उड़ा दूँगा फिर आगे बैठ जाएंगे, भाई इतना परेशान हो गया मैं, क्या बताऊँ आपको। तो अभी इसमें से जो आधे कबूतर है, करीब 5 कबूतर है, जो ये सामने बिल्डिंग पे और इधर सामने बिल्डिंग पे बैठते हैं, तो इनके तो भाई जब मैं उड़ाने का जब मेरा दिल करेगा, जब वापस से मैं कबूतरबाजी में लग जाऊंगा, टूर्नामेंट वगैरह में या बाजी वगैरह उड़ाना है मुझे, तो फिर मुझे इसमें से जो रॉन्ग बैठते कबूतर, वो कबूतर मैं बिल्कुल हटा दूंगा। और आपको भी यही करना है, कभी आप सोच रहे हो कि नियार वसीम भाई हम कबूतर का पर नहीं काट सकते, तो भैया आप 40 से 50 दिन बाद भी उन कबूतर को पर देंगे ना, तो वापस से कबूतर बिल्डिंग पर जाके बैठ जाएगा, ये बिल्डिंग भी बैठ जाएगा, ये टंकी भी बैठता है टंकी भी बैठ जाएगा, ये तार पे बैठता है तार पे बैठ जाएगा। तो आपसे मेहरबानी बनती है, जो आपकी बार बार मेरे पास कमेंट आती है कि हमारे कबूतर रॉन्ग बैठ रहे हैं, हमारे कबूतर गलत बैठ रहे हैं,
ये देखो सामने, ये भी देखो एक जस्ट हमारा एक ये सफ़ेद कबूतर यहाँ जाके बैठ गया, देखे आप। ठीक है, अभी नहीं चमक के उड़ा और भाई वहाँ जाके बैठ गया वो। अब क्या होगा कि जो हमारा सफ़ेद कबूतर वहाँ जाके बैठा है ना, अब मान लो इसमें से कोई कबूतर उड़ता है तो उसको देखे देखे उसके पास जाके बैठ जाएगा। देखो ये अभी कभी मैं इसको बार बार उड़ाऊँगा ना, बार बार भगाऊँगा इसको, तो ये भी वहाँ जाके बैठ जाएगा, जैसे कि अभी ये बैठा है कबूतर वाला। ठीक है ना, तो ये गलती तो फिलहाल मैं अभी नहीं करूँगा। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ छत के ऊपर, हम कभी इसके भरोसे छोड़ देंगे ना तो ये पूरे कबूतर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो कोशिश आप भी यही करें और मैं भी यही करूँगा, ये जो रंग वाले कबूतर की पहले पहचान कर लो कि कौन सा कबूतर है, बस उसको दिमाग में बिठा लो और चाहो तो उसके पर काट के रखो, ब्रीडिंग से डाल दो या उनको सेल कर दो, अच्छे कबूतर लेके आओ। तो भाई तीनों में से मैं कोई सा भी यही काम करूँगा, ताकि यार भाई अपना शौक ख़राब हो रहा है और कुछ ही नहीं है। कबूतर रॉन्ग जाके बैठ जाते हैं, गलत बैठ जाते हैं, इसमें आप परेशान होते मैं परेशान होता हूँ। अभी क्या है कि हमारा सानिज बस बैठ गया रहा हूँ, आ जा आएगा तो है ही नहीं भाई वो, क्योंकि उसकी मर्जी। अब मैं उसको बुलाऊँगा तो नहीं आएगा, ले आ आ आ आ, नहीं आएगा भाई, उसकी मर्जी से आएगा वो। तो ऐसा काम नहीं करना अपने को, कबूतर बाजी करो ऐसे करो कि अपनी मर्जी से कबूतर अंदर बाहर हो जाए और अपना काम हो जाए, अपना शौक का शौक हो जाए, परेशान नहीं होना भाई कभी भी। तो ये जो सलाह मैंने आपको दिया हूँ ये आप करिए, प्रैक्टिकली मैं खुद यही करता हूँ। और जब मैं वापस से इनको उड़ाने पर आ जाऊँगा, इन पर ध्यान दूँगा कबूतर बाजी को लेते हुए, तो फिर इंशाल्लाह भाई इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अब क्या है, सुबह शाम दाना पानी हम डाल देते ताकि अंदर कबूतर दाना पानी खा ले, बाहर खा ले, अंदर खा ले, बस अभी फ़िलहाल में ये काम चल रहा है भाई। तो भाई जो मैंने आपको तरीका बताया हूँ वो तरीका आप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो भाई यूट्यूब पे मेरे अलावा कोई अपलोड नहीं करता है, और भी करते होंगे बाकी उनका तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी मैं तो अपनी ही वीडियो ज़्यादातर फॉलो करता हूँ भाई, मैं भी अपनी वीडियो ही ज़्यादातर देखता हूँ, है कि नहीं। तो हमारे सानिश भैया को ज़रा आप कुछ कमेंट में बताइए कि क्या समझा हुआ मैं, फिर स्कूल वगैरह सब जाता है वो, उसके बाद फिर आके छत पर चढ़ जाता है। तो देखो एक बॉम बैठा भाई, ये देखो यहाँ बैठा हुआ है सफ़ेद वाला। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए आप। मिलते हैं और कुछ नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।